असलम मैं एम डी के टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की स्टूडेंट हूँ कराची से मेरा ताल्लुक है और जो कुछ मैं इसमें एक रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कल के एग्जाम से रिलेटेड uh, सबसे पहली चीज हमारे एग्जाम में जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस ने प्रपेयर किया था हमारे एग्जाम में अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन थे मिनिमम हो सकता है कि इससे ज्यादा हो इसके अलावा कल की जो कीज अपलोड की गई देर वॉज अ टोटल ब्लैंडर हमारे एग्जाम में तकरीबन 10 से 15 सवाल की कीज गलत थी जो किसी भी मेरिट वाले बच्चे के लिए बहुत मायने रखती मेरिट के प्राइवेट के लिए भी क्यूं? क्यों क्योंकि बच्चे अक्सर फेल हुए हैं बच्चे 20 सवाल तो हमारे वही होगा ना जो आउट ऑफ द सिलेबस थे 15 सवाल की अगर कीज गलत होंगी बच्चे तो फेल होंगे लाजमी बात है दूसरी चीज ये की आज डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस का एक पोस्ट अपलोड की जाती है जिसमे वो लिखते है की ऑल द कीज आर वेरीफाइड और इसमें कोई इश्यू नहीं है जबकि आज शाम में तकरीबन किसी भी तरीके से एक मैसेज आता है जिसमें सिलेबस सॉरी जिसमें क्वेश्चन लीक हो जाता है क्वेश्चन पेपर कोड बी ग्रीन का जिसमें जब बच्चे कीज वेरीफाई करते हैं तो पंद्रह तकरीबन हमारे पास रॉन्ग कीज निकल आती हैं इसका कौन जिम्मेदार है बच्चे तो जिम्मेदार नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चे सिर्फ अपने हिस्से का पढ़ाई कर सकते हैं ना आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन देने की क्या तो बनती है बच्चे जहां छह महीने लगा के सिलेबस पढ़ सकते हैं दस दिन और दे के बाकी सिलेबस नहीं पढ़ सकते बताया नहीं जा सकता था कि सिलेबस आपका पूरा बुक से बनेगा एमसीक्यूज के लिए क्या बच्चे इसीलिए रह गए छ महीने अपने अपनी पढ़ाई के लिए लगा दें बच्चों के माँ बाप छे हजार इसलिए पे करके आते हैं कि बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर से रोता हुआ निकलते देखें हमारी माए तहजद में इसलिए रो रोकर दुआ मांगती हैं हमारे लिए कि बच्चों को खुद को रोता हुआ निकलते देखें एग्जाम सेंटर से हमें इंसाफ चाहिए वी वॉन्ट एट जस्टिस और दूसरी बात ये हमसे पेंसिल से, से क्यों फिल करवाया गया आंसर शीट्स पेंसिल से क्यों फिल करवाई गई क्या पैसे देकर उनको इरेज नहीं किया जा सकता है वो रिपीटर बच्चा जो पिछले दो साल लगा के या पिछले तीन साल लगा के अपने पूरे खानदान के अपने घर वालों के ताने सुन सुन के हर साल इस इस लगन से मेहनत करता है कि अपनी माँ का वो ख्वाब पूरा कर सके कि डॉक्टर बनना है उसके साथ ये इंसाफ मिलता है इस मुल्क में मेरिट के नाम पे जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं उसका कौन जिम्मेदार है हमें इससे रिलेटेड जस्टिस चाहिए हमें इंसाफ चाहिए हम बच्चे चुप नहीं रहेंगे हम जब पढ़ाई करते हैं तो इस सोच के साथ करते हैं कि हमें जस्टिस हमें इंसाफ के साथ इस पढ़ाई का सिला मिलेगा काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से कि इस पर नोटिस लिया जाए और काइंडली डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस आप थोड़ी सी शर्म कर लें आप प्लीज थोड़ा सा हया कर लें और हमें सही कीज प्रोवाइड कर दें शुक्रिया बहुत शुक्रिया